केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी, दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। मेरी राजधानी अंटे ఏం చెప్తారు సార్? రెచ్చగొడుతున్నారా ఇట్లా మాట్లాడాలని చెప్పి? లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులు ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలి, మూడు పిల్లలు అంటే మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, మూడు పిల్లలు చేసి భూతా అది తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వారా ఇక్కడ తిరగనివ్వమని చెప్పి చెప్పారండి. అయినా చెడ్డకెళ్ళిపోయిన బండి గురించి మన డిస్కషన్ తెలియదు.